आचार्य योगेंद्र देव मोह छुड़ाने के लिए बार बार कहते, शब्द बदल जाते अभिप्राय को, भाई पर के लक्ष्य से जो पाप का परिणाम होता है उसके फल को जीव स्वयं भोगे, नहीं भोगे। क्यों? वह परिणाम परद्रव्य ने नहीं कराया है, शरीर ने नहीं कहा है कि तुम हमें अपना मानो, शरीर ने नहीं कहा है अवक्ष भक्षण करो, शरीर ने नहीं कहा है कि ये इस प्रकार के शौक श्रृंगार करो, शरीर ने नहीं कहा है कि तुम अपने पंच इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्त हो। समय सार की मूल गाथा है, ये पंच इंद्रियों के विषय तुझे जबरन प्रेरित नहीं करते। सुबह आशोक शब्द ये कहते नहीं है कि तुम हमें सुनो और राग द्वेष करो। इसी शैली के वाक्य लगा लेना चाहिए 24 घंटे। क्या शरीर ये नहीं कहता तुम हमें जानो और जानने के साथ अपना भी मानो? शरीर ये नहीं कहता तुम अपने को छोड़ करके हमें जानो, अपना काम छोड़ करके हमारा काम कर दो? तुम भेद शरीर को भिन्न जानो तो शरीर कुछ नहीं कहेगा, और शरीर को एक में जानो तो ये शरीर कुछ नहीं कहेगा। शरीर अचेतन, शरीर के लक्ष्य से पर के लक्ष्य से जो मोह का परिणाम हुआ उसके होने में परतत्व का दोष नहीं है, शरीर का दोष है। वो क्यों भोगेगा? क्यों भोगेगा? जो करेगा सोई तो भोगेगा। जीव ने स्वयं उसे अपना माना है तो उस अपनत्व से होने वाले दुख को भी स्वयं भोगेगा। पुत्र का जन्म हुआ, जन्म बाद में हुआ, लेकिन पुत्र ने कहा तुम हमारे जन्म के लिए अपना जन्म बर्बाद करो। वो जनक कहाँ है? जाने कहाँ है बेचारा? तुम विवाह करो, फिर तुम विषयों में प्रवर्तो, फिर तुम हमारा जन्म करो, फिर हमारे लिए घर बनाओ, फिर हमारे ये स्वयं अपने को भूल करके स्वयं अपने तुम स्वयं स्वाध्याय मत करो, हमें हमारी राग में पड़ी रहो। ये पुत्र आदि कहते हैं क्या? तो फिर भी क्यों भोगेंगे?
अरे भाई पति अन्याय से कमावे तो उसका फल पत्नी को भोगना पड़ेगा कि नहीं? भोगना पड़ेगा अगर अनुमोद ना भी करेगी तो। लेकिन पत्नी अगर निषेध करेगी तो वो क्यों भोगेगी? लौकिक दृष्टांत पड़ा, उस बाल्मीकि डाकू को पकड़ लिया, वो बाल्मीकि डाकू ने साधुओं को पकड़ लिया, वो तो अनमत की बात है। लेकिन शिक्षा लेना चाहिए, डाकू ने पकड़, वो बाल्मीकि ने पकड़ लिया, लाज मुख होश हो, बोले भैया ले लो, हम पे है का आधा किलो लेके आए सुझे ले तुम ले लो। लेकिन एक बात का उत्तर हमको दो, तुम ये इतना पाप कर काहे को रहे? अरे वाह, हम अपने बाल बच्चे पालेंगे कि नहीं पालेंगे? हम अपनी गृहस्थी चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे? तो एक काम करो, तुम हमें बांध जाओ, हम पक्के नहीं आए इसलिए, लेकिन घर जाकर के पूछ आओ इसका फल भी भोगेंगे कि नहीं? कछ भली होना थी, बुद्धि बदल गई तो पहुंचे। क्यों भाई, हम जो डकैती डार के फल पैसा लाते हैं, सब लोग खाते पीते आराम से रहते हैं, इसका फल सब लोग भोगोगे कि हम काय को भोगेंगे? हमने कब कही कि तुम डकैती डारो? हमने कब कहा डकैती डारो? इसी शैली में समझ लेना, शरीर ने कब कहा हम अब हमारे लिए अवक्ष भक्षण करो? शरीर ने कब कहा हमें हमारे श्रृंगार के लिए तुम दूषित पदार्थों का प्रयोग करो? हमें साफ करने के लिए तुम चर्बी का साबुन लगा? कौन ने कही? शरीर ने कही? तो जब शरीर ने कही नहीं तो वो काय को फल भोगेगा? तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। तुमने स्वयं अपने अज्ञान से, अपने मोह से जो जीवों की हिंसा की है, हिंसा की का मतलब हिंसा का भाव किया है, उसका फल भी तुम ही भोगो। जो करेगा सो ही भोगे। करेगा का मतलब जो करेगा कराएगा अनुमोदना करेगा। करेगा का मतलब करेगा कराएगा अनुमोदना भी करेगा। बहुत बढ़िया बिल्डिंग है तो तुम भी पाप भागो, जिसने बनाई वो बांधेगा, तुम भी बांधो कि तुमने अनुमोदना करी कि नहीं करी। ऐसा नहीं है कि तुम नहीं बांधो। पुत्रादि के लिए संपत्ति इकट्ठी करी, अब उसको पुत्रादि अपने मनमाने ढंग से भोगेंगे, मनमाने ढंग से, समझ गए? अगर उनमें धर्म रुचि होगी तो थोड़ा धर्म कार्यों में लगाएंगे, और पाप बुद्धि हुई तो विषयों में लगाएंगे, अन्याय करेंगे उसके बल पर। अब जो बता भी भोगेंगे उसका फल कि भाई अपने परिणाम का फल भोगेंगे, तुम्हारे परिणाम का फल थोड़ी भोगेंगे। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता भी नहीं है और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का भोगता भी नहीं। यही बात इन गाथाओं में बार बार कह रहे आचार्य। मारे वो जीव है लखना गमजी पाव करी उत करत है कार है तम तो एक को सही। पुत्र स्त्री आदित्य का लक्ष्य करके तू लाखों जीवों की हिंसा करता है, हिंसा कार आगे बोलो, झूठ बोलता है, चोरी करता है, अब्रह्म का सेवन करता है, परिग्रह को जुटाता है, संग्रह करता है, तो कौन करता है? तू स्वयं करता है ना, तो उसका फल भी तू स्वयं ही भोगे, दूसरा कोई नहीं भोगे।
जो संपत्ति करे इकट्ठी उसको सभी भोगेंगे और फल पापों का पाने को सब तुझे अकेला। ये तो शास्त्र की बात है, परोक्ष बात है तुम्हारे लिए, लेकिन अभी वर्तमान में प्रत्यक्ष देखो तो हम क्या शिक्षा देते बता 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 बोलते क्यों नहीं। हाँ, माता पकवान बना खाएंगे तो सब, लेकिन अगर मान लो उंगली पे छींटा पड़ जाए घी का जलन, तो जलन कौन को पड़े? जलन तो उसकी अकेली। जब वो बनाने वाली अकेली उस जलन को भोगेगी तो कमाने वाला अकेला उस पाप को भोगेगा। इसका मुख्यतः ध्यान रखना, मुख्यतः बाद बाकी जिसके उसमें जितने परिणाम जुड़े होंगे उतने परिणाम का फल हो गया। जैसे एक बड़ी कंपनी चलती है ना, तो उसका मुख्य लाभ तो वो जो कंपनी चलाता है वो भोगता है, बाद बाकी के बाद बाकी का जितने शेयर होते हैं, जितना शेयर होता है उसका, किसी का 10 रुपए का, किसी का 100 रुपए का, किसी का 1000 का, किसी का 5000 का, किसी का 15000 का, किसी का 1 लाख का, उसी अनुपात में उसके फल को भोगते हैं। फल बने नफा और नुकसान को। कुछ समझ में आया कि नहीं? अब आगे चलो। कुछ वो पैसा का शेयर होता है, अरे नहीं, परिणाम का है। जिस कार्य में जितना शेयर होता है उसका फल भोगे, ये कहना। अभी इस स्वाध्याय हो रहा है, आप कितना फल भोगोगे? मालिक कितना फल भोगेगा? मालिक कितना फल भोगेगा? एक आदमी दुकान पर बैठा स्वास्थ्य में नहीं आ पाता और वो भी स्वास्थ्य के फल को प्राप्त कर ले। मैं यहाँ तो पंडित जी रहते हैं, दोनों टाइम स्वास्थ्य सकता है, बहुत अच्छा लगता है, कभी आना। अब हम तो नहीं पहुंच पाते, हम तो नहीं पहुंच पाते, आप आना। प्रधान अनुमोदना करी उसने तो अनुमोदना का फल वह भी भोगे। ये पाप की अनुमोदना हो चाहे पुण्य की अनुमोदना हो चाहे धर्म की अनुमोदना हो, वो अनुमोदना करने वाला भी उसी प्रकार से फल भोगता है जिस प्रकार से करने वाला। वाय करने वाला नहीं, क्यों? जीव तो वह भी करने वाला नहीं। एक मंदाज ध्यान में मग्न है, उनको देखते हुए कैसे ध्यान मग्न है, वो भी फल को भोग, पुण्य को फल भोगे। श्रेणक ने क्या किया था? यशोधर मंडाज को विघ्न किया था? विघ्न नहीं किया था, विघ्न तो कोई करता ही नहीं, लेकिन उपसर्ग करता अपने पाप का फल भोगते हैं कि नहीं भोगते, उनको क्या विघ्न होता है? बल्कि उनकी तो उनका बंधे हुए कर्मों की जल्दी निर्जा और हो जाती, और वे मंडाज अगर लक्ष्य जावे तो वही विचार करेंगे, अरे ये तो हमारी निर्जरा का निमित्त है। ऐसा जानकर बोलो क्या कर? कहें पाप करो तो नहीं, कराओ तो नहीं, लेकिन अनुमोदना भी मत करो। पाप करो तो नहीं, कराओ तो नहीं, अनुमोदना भी मत करो। पाप का मतलब समझ गए? मोह करो तो नहीं, कराओ तो नहीं, अनुमोदना भी मत करो। क्रोध कराओ तो नहीं, करो तो नहीं, कराओ भी नहीं, ऐसा काम मत करो जो क्रोध हो जाए सामने वाले जी को। ढीठता मत करो, करो उल्टा काम मत करो, अभिनय अवज्ञा मत करो। लोक में कहावत है, अच्छी रगड़ करे जो कोई, बोलो भाई मोहल्ला में रहते हो? अरे भूल का नहीं रे, अति की रगड़ करे जो कोई, अग्नि प्रकट चंदन से हुई, चंदन शीतल है कि नहीं?
लेकिन अति रगड़ है तो वो चंदन की आग लग जाए, क्या करें बताओ क्या करें। इसलिए अनर्गल उल्टी प्रवृत्ति मत करो, अनुशासन भंग मत करो गुरुजनों का। अहंकार पूर्ण व्यवहार मत करो, मायाचारी का व्यवहार मत करो, लोभ लोभ मत करो, आसक्ति मत करो, स्वार्थी मत बनो। क्रोध आएगा सामने निमित्त संबंध है तो क्रोध करो भी नहीं, कराओ भी नहीं। क्या हम का कह रहे हैं तुम गुस्सा हो, कह रहे हो मौत है कहीं नहीं दे, कर तो रहे हो गुस्से के काम। और कुछ नहीं कहा तो उसे सही मान लीजिए, सोचे खुश हो जाए यार। क्यों भाई पूजा की मेज साफ करना किसका काम है? माने काम माने नौकरी नहीं, हम कह रहे किसका काम। या तो पुजारी कर ले या माली करेगा, लेकिन नहीं हम कर रहे। अब बता क्या करे, हमें करेंगे। अब वो माली का काम है, अब हमने आ ली उसके दिमाग पर चढ़ जाएगी तो भी कर लेंगे, गति वो लगा लेंगे तो काम कर लेंगे। आलसी बना दिया, काम खत्म हो गया। अब तुम कहो काम, तुम स्वाध्याय करो, तुम्हारा काम करने का है या कराने का है। एक कलेक्टर की नौकरी के लिए आया इंटरव्यू देने, समझ लो तो इंटरव्यू सेलेक्ट हो गया उसका। अब होना था ऑफिस की चपरासी का, झाड़ू वार सब ऑफिस करने का। तो वो लड़का बोला, अब इसमें ऑफिस साफ रखना है, ये करना हो तो साहब कितनी तनख्वाह दे, वो हम ही कर लिए तो ठीक है, अब यही तुम कर ले, कलेक्टरी नहीं कर पाओगे, कलेक्टरी की लाज तुम्हारी औकात नहीं है। तुम यही कर, ऑफिस साफ कर ले और कचनी कर पर। आपको एक इंटरव्यू मालूम है, कुर्सी वहां डाल दी, मैं अव्यवस्थित कर दी, थोड़ा सा कचरा फाइल बैठी और इंटरव्यू के लिए बुला लिया। अब जो आए तो कुर्सी सीधी करके बैठ जा, तो वो जाए तो फिर वो कुर्सी बैठी कर रही। एक व्यक्ति आया, उसने घंटी बजाए, क्या बरा दिया कुर्सी की रखो, बस सिलेक्शन हो गया। बस यही तो थी कि तुम ऑफिसर हो कि तुम क्या बरा दियो। कई बार ऐसी भूलें होती, बहुत भूलें होती। ये नहीं है क्या कलेक्टर है तो हम झाड़ू नहीं लगा पाएंगे, लगा देंगे जरूरत होगी तो। नेहरू जी थे ना प्रधानमंत्री, श्रमदान का उद्घाटन होना था श्रम सप्ताह का, तो वे पहुंचे तो चांदी की वो रखी करनी और वो रखा शिलान्यास, शिलान्यास होना था तो चांदी की करनी धरी, वो करनी का है वो कुदाली, और श्रमदान का होना था तो पहुंचे, बोले क्यों ये चांदी की कुदाली से होता है। उन्होंने लोहे की उठाई और लग गए दो चार मिनट, वो दो एक दस पंद्रह बीस मिनट में हो तो अब किसी की हिम्मत नहीं भाई बोलने। एक बुजुर्ग से पंडित जी, ब्राह्मण थे, पंडित जी अब हो गया उद्घाटन, देखो पसीना में ना गए, अब हो गया उद्घाटन। तो नेहरू जी बोले क्यों असली हुआ के ना करी। हम ये नहीं कह रहे कि वो हम प्रधानमंत्री का हम कुछ नहीं कर सकते, हम ये चौकी नहीं उठा सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं कह रहे। अब तुम सोचो कि हम मंत्री बन गए तो हम ही झाड़ू लगा ले, हम ही दारू लगा ले, हम ही सब कर ले, तो तुम मंत्रीगिरी कैसे करोगे ये तो बता। क्यों भाई ये कैसी ये गंदगी क्यों पड़ी? अब उसने तो देखा भी नहीं, तुमने पहले ही साफ कर दी। अब तुमने पहले ही जब साफ कर दी तो अब वो आलसी तो हो ही जाएगा। आप समझना इसमें
खुश होने की बात नहीं है, ये उल्टी बिगाड़ने की व्यवस्था बने, व्यवस्था बनाने की बात नहीं रही है, बिगाड़ने की व्यवस्था हो गई। बस मन हो गए, मन हो गए। अब जहां योग्य उत्तर देना चाहिए वहां मन हो जाए तो क्रोध बढ़ाने वाला है, ध्यान रखना। उबर करें भाई, लिख लिया करो, संतुलित बोलो, ले खर्रा तुम ले, तुम पाए। मेरी बुद्धि ऐसी हो गई है जैसा कि बुद्धि है ही नहीं, स्तर घट गया एकदम। ले भैया तुमने कही थी लिखे के, लिख के दे दो, जो कौन ने कही थी, लिख के धरो, संतुलित बोलो, व्यवस्थित बोलो, बस कह चुकी अपन क्या जब चले। हम ये कह रहे क्रोध करना नहीं, कराना नहीं, अनुमोदना नहीं करना। कितनी बार कहते तुम आते हो, अब हसो, क्रोध पराए देख के चले हसंत हसंत, क्रोध पराया देख कर चले हसंत हसंत, मन पराया देख कर चले हसंत हसंत, आपन याद ना आकर जिनका आज ना। अपने दोषों को तो देखो, अपनी बुद्धि को बहुत ज्यादा समझोगे और अपनी बुद्धि के अनुसार चलोगे, विपरीत करोगे। तीव्र कसाई माने तीव्र मन, जितना करेगा विपरीत ही करेगा, जहां बोलना चाहिए वहां नहीं बोलेगा और जहां नहीं बोलना चाहिए वहां बोलेगा, जो बोलना चाहिए सो नहीं बोलेगा और जो नहीं बोलना चाहिए सो बोल, विपरीत करेगा। चुप रहो तो बस, अब जहां बोलना चाहिए वहां भी चुप रह जा, बोलो तो नहीं बोलना चाहिए सो बोल तो भी बोलने लगो। पात्रता स्वयं की चाहिए, स्वयं का विवेक हो, गुरुजनों का अनुशासन हो। स्वयं का विवेक बिना अनुशासन की भी उल्टी करोगे। अभी शिखर जी में उसे भी लगा, थोड़ी भोजन करने में लेट हो, कोई आया होगा, देर हो गई होगी, गाड़ी वाड़ी जो कुछ भी हुआ लेट आया, किवाड़ लगा, उसने किवाड़ खटकाए भोजनालय के बंद हो गया भोजनालय शाम को, किवाड़ खटखटाए, किवाड़ खोल दिया, भैया अब तुम टाइम हो गया, अब नहीं मिलेगा आपको भोजन, ये नहीं करे, मैंने लड़े 10-15 मिनट और भोजन नहीं दिया। अरे आए भैया जल्दी आया कर, टाइम से आया कर, भोजन टाइम तो हो गया, अब जल्दी बैठो, 2 मिनट में काम खत्म, जब भोजन कर रहे हैं सब और लोग। हमारा मतलब क्या, तो ऐसी कभी करोगे यार, ऐसी ढीली छोड़ दे, अब कभी करा दी करो तो फिर अपने लास्ट ढील बोलनी पड़ जाओ। अज्ञानी अभिमानी जितना भी करेगा विपरीत ही करेगा, इसलिए अभिमान आदि को पहले छोड़ो। विवेक स्वयं का होना चाहिए, तो न पाप करना भी नहीं, कराना नहीं, नहीं अनुमोदना भी नहीं करना, हंसी मस्करी करने की आदत मत डालो। हंसी में उड़ाने की आदत मत डालो, हंसी में उड़ा ली, हंसी में उड़ा ली, हो पाए बस, ये पाप है तुम्हें पता नहीं। हंसी करना नहीं, कराना नहीं, अनुमोदना नहीं कर, धर्म की हंसी मत कराओ, ऐसे काम मत करो जैसे धर्म की हंसी हो। तुम्हारी माता पिता की हंसी हो, रति अरति शोक भय जुगुप्सा और वेद सब में लगा दें। हम कई बार एक बात बोलते थे, हम तो इसकी अनुमोदना नहीं कर पाएंगे, भैया तुम ठीक है, तुम्हें करना हो तो करो, जी हम नहीं कह रहे, तुम भी मत करो अगर तुम्हें समझ में आए तो, लेकिन हम तो इसकी अनुमोदना भी नहीं करें। या को काम ताई को साजे और करे तो मुगरावा डंडा वाजे, जिसका काम है वही काम कर सके तो बनेगी बात, और अपना काम तो करेंगे नहीं और दूसरे के काम में हस्तक्षेप करेंगे तो क्या होगा। पहले अपना
अपना काम कर लो, उसके बाद फिर दूसरे के काम में भी सहयोग कर पाओ तो कर लो, ये हम नहीं कह रहे, लेकिन अपना काम तो पहले कर। आत्महित सबसे पहले करने लायक है, सबसे पहले। लेकिन सर्वथा कोई वाक्य नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं है तुम उठे वहीं बैठ गए, बीमार सामने बगल में बैठा है तो बैठा रहे, पड़ा रहे, पड़े रहे। आपने कही सबसे पहले माला फेरो, अपने अपना काम करो। अरे भैया कैसी तबीयत है, नींद आई कि नहीं आई, पानी देने है कि नहीं देने, उठाने कि नहीं उठाने, उसको लेटरिन जाना है तो लेटरिन करवाना कि नहीं करवाना, अब तुम पहले माला फेर लो। पंडित जी ने कही थी बस यही कही, ध्यान रखना ज्ञानियों की बात बिना ज्ञानी हुए समझ में नहीं आएगी, बिना विनय के समझ में तो आएगी। सबका चार में स्पष्ट लिखा है, जिसको देव सास गुरु के प्रति बहुत विनय होगी उसको ही यथार्थ अर्थ समझ में आएगा। अर्थ माने अभिप्राय, उन्हें गौलता ग्रहण करेगा, भयभीत हो जाएगा या फ्री हो जाएगा, शिथिल हो जाएगा। तो ये जीव जो पुत्रादि के लक्ष्य से, स्त्री आदि के लक्ष्य से नाना प्रकार के पाप करता है, उन पापों का फल अकेला भोग। क्यों? कि उसने अकेले किए हैं, उसने कराए नहीं है जबरन। जब स्वयं किए हैं अपने मोह से, अपने अज्ञान से, अपने दुर्विचार से, तब वो निमित्त तो हुआ है। एक सिद्धांत वाक्य ध्यान रखना, क्या परद्रव्य निमित्त तो होता है लेकिन परद्रव्य दोषी नहीं होता। भाई ये ठोकर काहे की लग गई? अरे वो पत्थर पड़ा था, पत्थर की लग गई। तो पत्थर निमित्त है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन पत्थर का दोष नहीं है, दोष तुम्हारा है, तुम बिना देखे चले। उस दिन वो सड़क पर पड़ा था, क्यों क्या हुआ? केले का छिड़का पड़ा सड़क पर, छिड़ीन डाल दिया। आप नहीं डालना, कभी ध्यान रखना, गाड़ी में भी जा रहे हो तो छिलका वहीं रख लो, फिर कहीं गाय भैंस दिखाई दे वहां डाल दो, या फिर एक साइड में डाल दो। ये नहीं है उठा करके फेंक दिया खा करके, ये व्यवस्था ठीक नहीं है तुम्हारी। तो उसने छिलका डाल दिया, अब दूसरे ने क्या सोचा? देखो सोचने की जगह बता रहे कि यह छिलका पे कोई रबड़ जाए तो उसने एक अखबार डाल दिया, मैंने छिलका लिखा दे। अब छिलका तो पड़ा और ऊपर हुआ, तू पर देख नहीं पाओ, अब वजन लगा दो बड़ा। मैंने वो छिपाने लायक है कि मुझे हटाने लायक है जी बता? अगर छिलका पड़ा होता तो वो समझ देख लेता कि छिलका पड़ा है बचा, लेकिन छिलका पर पड़ा अखबार उन्हें अखबार पढ़ो। अपनी बुद्धि लगाने वालों की ये दशा होती, ज्यादा बुद्धि लगाते हैं उनकी ये करते हैं। ज्यादा बुद्धि लगाने वाले अपनी बुद्धि लगा देने वाले ही व्यवस्था को बिगाड़ते हैं, ये समझ लो। अब देख लेना, हमने सोची हम आए नहीं, काय नहीं आए, हमने सोची आपका उपयोग खराब हो, और इसीलिए उपयोग खराब तुम आए थे। अरे जब जरूरत थी तब आना था ना, क्या आपने कही थी जाओ? सोचे कही थी जिंदगी भर जाओ, चले जाओ दिन भर के लिए चले जाओ, और बढ़िया जी तो और अच्छा रहो। तो परद्रव्य निमित्त तो होता है लेकिन परद्रव्य का दोष नहीं होता। जब दोष नहीं होता तो वो भोगेगा क्यों? उसका शेयर ही नहीं। क्यों? टाटा कंपनी के 5 करोड़ के लाभ में तुम्हें कितना लाभ होगा? एक छदाव नहीं मिलेगी, एक छदाव। वैसे कहो तुम हमें भैया कछूता दे रहे, कभी दे सकते तुम्हें और का करें, सहयोग दे सकते हैं लेकिन शेयर नहीं है, लाभांश कैसे देंगे? परिणामों का फल होता है, परिणामों का फल। एक घटना सुना दे, एक बालक स्कूल में पढ़ने में बहुत होशियार,
अच्छे अच्छे नंबर आते, सब स्टाफ को सर सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, सांस्कृतिक कार्यक्रम में अच्छा पार्ट किया, एक अध्यापक का मन आ गया, सबको इनाम दे दिया, अपनी ओर से मान लो 100-100 रुपए दे दिए। अब दो दिन बाद उसने अध्यापक ने सबको बुलाया, क्यों तुम्हें रुपया दिए थे तो किए उसका क्या किया ये बताओ, उन रुपयों का तुमने 100-100 रुपए दिए ना उनका क्या किया ये बता दो। उन्हें हमने चार खा ली, उन्हें हमने बोले आए, उन्हें हम बोले चश्मा ले आए, उन्हें फलानो कर लो, एक बच्चा बोल देखो हमने तो भाई गोलक में डाल गए, हमारे पापा की स्थिति कमजोर, फीस में काम आ जाए, फीस में काम आ जाए, हमने गोलक में डाल दे। इतना सुना और अध्यापक जीतता रहा, गोद में उठाया उस बालक, छोटा बालक गोद में उठाया और जब तक पढ़ो स्कूल में तब तक फीस मांगा। सदुपयोग करना सीखो, परिणाम का फल होता है ये। मेरा देखो छोटा सा बालक और किस प्रकार से अपने पापा के प्रति अपने परिवार के प्रति कितना सहयोग करने, अरे वो मतलब नहीं तुम जाना तो हम जाना बस ला। ये संस्कृति बहुत खराब हो गई, बच्चे बड़ों का सहयोग नहीं कर पा रहे, बच्चिया माँ का सहयोग कर पा रहे ना बच्चे, इतना ओवरलोड पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, अरे पढ़ाई है कि बर्बादी है, सहयोग की भावना जागृत नहीं हो पाई। तो पाप की अनुमोदना भी नहीं करना और धर्म कार्य अगर कदाचित न कर पाओ तो कम से कम अनुमोदना तो करना, करते हुए सहयोग तो करना। इसी भावना से दान और भैयावृत्ति होती है श्रावकों की, श्रावक मुंडाजों को यागियों को दान और भैयावृत्ति क्यों करते हैं, अनुमोदना से। देखो ये कैसे मोक्ष मार्ग में लगे थे, वो बज्रभाव कैसे सोचने लगा, धन्य है ये मुंडराज आशा रूपी पासी करना ही बजे हैं, काम अधिक करना ही ठगाए गए हैं, कैसे अपने आत्म ध्यान में मग्न है, इन्हीं का जीवन सफल है और हमारी भी ऐसी दशा हो तो हमारा जीवन सफल हो जाए, और बस ये परिणाम आया, इस परिणाम से उसके परिणाम ओ राग का तन टूटा, दीक्षा का परिणाम जग गया। भावना भाव ज्ञान वैराग ही अनुमोदना करने लायक है, अनुमोदना करो, पाप की कभी अनुमोदना भी मत करना। लेकिन क्या करें, पाप शब्द तो तुम समझते हो और समझाने लगोगे लेकिन पाप का अभिप्राय नहीं समझते। कोई अनुशासन भंग करना चाहता है अनुमोदना भी नहीं करो, हम इस काम की अनुमोदना नहीं करते। चोरी की अनुमोदना भी मत करो, काम चोरी की भी अनुमोदना मत करो, बिल्कुल नहीं। कृत कार्य अनुमोदना, जो परिणाम जीव स्वयं करता है उसका फल दूसरा भोगना भी चाहे तो नहीं भोग सकता। जैसे माता अगर पुत्र की वेदना को बांटना भी चाहे तो भी नहीं बांट सकती, वेदना कैसी बात है, वेदना तो अज्ञान से हुई है, ज्ञान से ही दूर होगी, ज्ञानाभ्यास से ही दूर होगी, दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। विचारना हे जिनवाणी भारती तो ही जपो जिन रे, जो तेरी करना गए तो पावे सुख से, क्या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकारो, तो वाणी मस्तक सदा देश हूँ।